पति का अंतिम संस्कार भी हो गया था, श्राद्ध क्रम भी हो गया था। 30 साल बाद लौट आया घर, फिर से बैंड बाजे के साथ फिर हुई शादी। नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज़ बिहार। कुदरत के कारनामे भी अजीब होते हैं, पल में खुशियां देता है तो पल में भी छीन भी लेता है। ऐसा ही एक किस्सा बक्सर में हुआ, जब मुन्नी देवी के पति घनश्याम अपने श्राद्ध क्रम के 30 वर्ष बाद घर लौट गया तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। बिहार के बक्सर में 30 साल पहले जिस पति को मरा समझकर पत्नी ने अंतिम संस्कार कर दिया था, वो 30 साल बाद फिर से लौट आया। पति के लौटने के बाद परिवार वाले इतने खुश हो गए कि उन्होंने दोनों की फिर से शादी करवाई। पूरे बैंड बाजे के साथ सभी रस्में निभाई गई। महिला बताती है कि उसके ससुराल वाले उस पर ही पति की हत्या का आरोप लगाते थे। दरअसल मामला कुरान सराय गांव का है। 30 साल बाद जब महिला का पति लौटा तो वो हैरान रह गई। खुशी के मारे रो पड़ी। कुरान सराय निवासी रामवतार साहू का पुत्र घनश्याम तेली किसी काम से बक्सर गया था। लौटने के क्रम में बक्सर के बस स्टैंड से गायब हो गया था। उस वक्त मुनि देवी एक बच्चे की माँ थी, दूसरा बच्चा गर्भ में पल रहा था। अचानक पति के गायब होने से पत्नी का बुरा हाल हो गया। इस घटना के बाद घनश्याम के परिजनों द्वारा इन्हें कई महीनों तक आसपास के गांव में खोजा गया, लेकिन इनका कोई अता पता नहीं मिला। अंत में परिजनों ने घनश्याम को मृत समझकर परिवार वालों ने इनका श्राद्ध क्रम भी कर दिया। साथ ही घनश्याम की पत्नी भी विधवा की तरह जीने लगी। 30 साल बाद 15 जुलाई को घनश्याम जब अपने गांव पहुंचा तो सभी अचंभित रह गए। बाद में लोगों ने जब यकीन हो गया तो परिजनों और ग्रामीणों ने दोनों ने दूल्हा और दुल्हन का जोड़ा पहनाकर फिर से शादी करवाई। बैंड बाजा लाया गया और महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाकर पूरे गाँव को भोज खिलाया गया। इधर पत्नी मुन्नी देवी द्वारा बताया गया कि हमें थाने से सूचना मिला कि मेरा पति थाने में है, जिसके बाद मैंने तुरंत अपने दामाद और बेटे को झांसी थाना भेजा। वहां जाकर बेटा ने मुझे जब वीडियो कॉलिंग पर दिखाया तो मैंने पहचान नहीं पाई। बाद में बेटे ने जब उनका दाढ़ी बाल बनवा कर दिखाया तो मैं पहचान गई। मैंने बेटे से कहा कि तुम एक बार ये देखो, उनके बाएं जांघ पर तिल है क्या। बेटे ने जैसे ही इस बात की पुष्टि की, मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बेटे और दामाद ने कागजी कार्रवाई के बाद उनको थाने से लेकर घर पहुँचे। वहीं उनके घर पहुँचते ही आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। 30 साल से गायब शख्स को अचानक देख सभी अचंभित रह गए। मुन्नी देवी द्वारा बताया गया कि पति के गायब होने के बाद ससुराल वाले और आसपास के लोगों द्वारा खूब ताना दिया जाता था। कहा जाता था कि मैंने अपने पति का हत्या कर दिया। इस बातों का सुनकर मैं अपने पति को याद कर खूब रोती थी। मुन्नी देवी द्वारा बताया गया कि जब उसका पति गायब हुआ था तो मेरी उम्र 25 साल थी। उस समय हमारा एक बेटा और एक बेटी थी। छोटा वाला बेटा पेट में था। ऐसे में 5 साल से काफ़ी खोजबीन के बाद जब वह नहीं मिले तो पिता दूसरी शादी के लिए कहने लगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। पत्नी द्वारा बताया गया कि 10 साल के इंतजार के बाद भी पति जब घर नहीं लौटे तो उनके याद में ससुर की भी मौत हो गई। लोगों ने ससुर रामावतार साह के मौत के वक्त भी उनका भी दाह संस्कार कर दिया। वहीं वापस आने पर घनश्याम गुप्ता की दिमागी हालत ठीक नहीं होने के कारण वह ठीक से कुछ बता नहीं पा रहा है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।